लखनादौन विधानसभा क्षेत्र के विधायक ठाकुर योगेंद्र सिंह बाबा इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। जब सिवनी ब्यूरो लखनादौन पहुंचे उनके निवास स्थान पर तो उनके संबंधित द्वारा जानकारी दी गई कि हमें भी इसकी जानकारी नहीं है कि विधायक महोदय भोपाल में है या दिल्ली में है। लखनादौन विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेसियों में यह चर्चा जमकर व्याप्त है। यहाँ तक कि क्षेत्रवासी अपनी बुनियादी सुविधाओं हेतु उन्हें फोन भी कर रहे हैं किंतु फोन बंद बताया जा रहा है। कोरोना जैसी महामारी बीमारी से ग्रसित लखनादौन विधानसभा क्षेत्रवासियों को यह बात बहुत खल रही है। एक और तो सिवनी एवं जिले के कांग्रेसी भाजपा विधायकों पर तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप मढ़ रहे हैं और दूसरी ओर स्वयं अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देख रहे हैं कि लखनादौन विधायक एवं बरघाट विधायक कोरोना जैसी महामारी बीमारी से ग्रसित बरघाट एवं लखनादौन विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर कहाँ चले गए हैं और इस तरह विधायकों का लापता रहना कई प्रश्न चिन्हों को खड़ा कर रहा है। जबकि भाजपा विधायक राकेश पाल एवं दिनेश राय मुनमुन, सांसद ढाल सिंह बिसेन एवं फग्गन सिंह कुलस्ते भी भाजपा जिला अध्यक्ष आलोक दुबे जी इत्यादि भाजपा वरिष्ठ कोरोना काल के दौरान अपना व अपने कार्य एवं दायित्वों के प्रति पूर्ण रूप से सजग दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेसी विधायकों का इस तरह लापता रहना तरह तरह की शंकाओं को जन्म दे रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजकुमार खुराना सहित कई कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता अपने दायित्वों का निर्वहन तो नहीं कर रहे हैं किंतु भाजपा समर्पित विधायकों, सांसदों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा मुहैया कराई जा रहे स्वास्थ्य संबंधी उपकरणों एवं स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं पर आरोप प्रत्यारोप लगाते देखे जा रहे हैं जो जिले भर में हंसी के पात्र बने हुए हैं और लोगों द्वारा व्यक्त किया जा रहा है कि कांग्रेस के पास सब कोई ठोस विरोध करने लायक मुद्दा नहीं बचा है और किसी भी प्रकार के अनगणन रूप से किया जा रहा है। मुद्दों पर एक छोटी छोटी पार्टियां द्वारा किए जा रहे जन आंदोलन में सम्मिलित होना और झूठा प्रदर्शन करना, भाजपा सरकार पर आरोप प्रत्यारोप जैसी बातें करना जैसे कार्य में लिप्त हैं। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए सिवनी से राजेश शिवहरे की रिपोर्ट।